मैं पिछले वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ केसी इनकम्प्लीट पढ़ चुके हैं। केसी हमें पता है केसी इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। केसी कब हमें पता चलता है? केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब दोनों रेट बराबर हो, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो टू द रेट ऑफ रिवर्स। जब रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स के, रेट जो हमने ग्राफ में समझाया है दोनों बराबर, दैट्स कॉल्ड केसी। और अगर इस तरह हो रेट ऑफ फॉरवर्ड नॉट इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स, यानी बिल्कुल स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में, स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में दोनों रेट बराबर नहीं होते, जब दोनों रेट बराबर ना हो फिर हम केसी के बजाय क्या इस्तेमाल करते हैं? क्यूसी। क्यूसी मतलब क्वोशेंट कांस्टेंट। क्वोशेंट कांस्टेंट वो भी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन से हम मालूम कर सकते हैं। सो केसी इज इक्विलिब्रियम, जब रेट बराबर हो दोनों, और क्यूसी मतलब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज। कौन सा स्टेज? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज। केसी की मदद से हम डायरेक्शन का भी पता कर सकते हैं और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का भी मालूम कर सकते हैं। डायरेक्शन में फिर फॉरवर्ड रिएक्शन भी मालूम कर सकते हैं और रिवर्स रिएक्शन भी मालूम कर सकते हैं। फॉरवर्ड के किस तरह पता चलेगा? केसी इज मोर देन क्यूसी, इफ केसी का मिकदार क्यूसी से बड़ा ज्यादा है। इन केसी आपने मालूम किया है मिडल ऑफ रिएक्शन में फॉर एग्जाम्पल, उसका आंसर उसका वैल्यू क्यूसी से ज्यादा है, यानी स्टार्ट ऑफ रिएक्शन से ज्यादा आ रही है। इट मींस केसी का अगर ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, प्रोडक्ट मिलेगा। केसी अगर ज्यादा है आपके पास, दोनों आमने सामने है, तो फिर आपको प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। केसी ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा मिलेगा। इट मीन रिएक्शन इज फॉरवर्ड। A plus B is converted into C plus D. और अगर इस तरह है रिवर्स रिएक्शन के लिए, KC का वैल्यू फिर कम होगा QC से। KC का वैल्यू फिर क्या होगा? QC से कम होगा। अगर KC कम है तो फिर रिएक्टेंट रिवर्स है दोनों। KC कम है तो फिर ये ज्यादा होगा, यानी रिएक्टेंट का मिकदार फिर ज्यादा होगा, रिएक्शन पीछे आएगा। इसी तरह हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का भी पता कर सकते हैं। एक्सटेंट मतलब रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। रिएक्शन तब पॉसिबल होगा अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है ओजोन साइकिल, यानी ओजोन इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनटू ओजोन विद हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इन ओजोन लेयर, इन स्ट्रेटोस्फीयर लेयर। तो इसमें क्या होता है, ये फुल पॉसिबल रिएक्शन है, इसका केसी वैल्यू फुल ज्यादा है, वेरी लार्ज। इसी तरह केसी का वैल्यू बहुत स्मॉल हो, इट मीन रिएक्शन मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल फॉर सम टाइम, इट मे बी इम्पॉसिबल। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोरीन को हम कंबाइन करते हैं, HF मिलेगा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल फॉर सम टाइम, इसका केसी वैल्यू बहुत कम आएगी। सो इट वॉज द एप्लीकेशन ऑफ केसी। लॉट्स।